प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को चौथी बार पलामू में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री 9:30 बजे से चिया की हवाई अड्डे में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पलामू जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एसपीजी की टीम पलामू पहुंच चुकी है और पलामू डीसी और एसपी के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथों ले लिया है। चिया की हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मंच तैयार हो चुका है। पलामू डीसी शशि रंजन ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर 15 एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं, जबकि कार्यक्रम स्थल को 4 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं 4 मई को वाहनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए। साथ में पूरे एरिया को 3 जगह बांटा गया, वीआईपी एरिया, मीडिया एरिया और जो जनरल पीपल के लिए एंट्री कर दिया जाएगा। 3 एंट्री पॉइंट है जहाँ पे हम लोग 8 बजे से लेकर आना स्टार्ट करेंगे और 10 बजे तक, 10 से 10:30 तक हम लोग एंट्री देंगे उसके बाद। और सारी जो व्यवस्था है वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, हर एक का पेपर दिया गया। उसके लिए जो भी पार्किंग की व्यवस्था है हम चाहिए, सारी पार्किंग की व्यवस्था को पहले ही मद्देनजर रखते हुए 25 पॉइंट का आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पार्किंग की आवश्यकता। 4 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन चियाकी के हवाई अड्डे में होने जा रहा है। ये जो कार्यक्रम स्थल है वहां से जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो जिला के अधिकारी हैं और एसपी जी के अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं और कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यक्रम स्थल वहाँ पर स्टेज पूरी तरह तैयार किया जा रहा है और लगभग लगभग जो कार्य है वो दिन रात युद्ध स्तर पर हो रहा है। आपको बता दें कि जो जिला प्रशासन है वो दिन 24 घंटे यहाँ पर कैंप की हुई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री का जो जनसभा है उन्हें जो यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में आम जनता जो पब्लिक है उन्हें आने की संभावना है, इसे लेकर 15 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, चेकिंग पॉइंट बनाए गए ताकि जो आम जनता है उन्हें दिक्कत नहीं हो। और चतरा जो लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र की जनता को काफ़ी जो कहा जाए लाभ मिले, इसे लेकर जो जनता ललायित है और काफ़ी भरोसा जता रही है कि इस बार मोदी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं मंडल डैम बन जाएगा, सिंचाई की व्यवस्थाएं जो पलामू सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है वो ना हो, कई योजनाओं का जो कहा जाए घोषणा करके जाएंगे ताकि जब जीत के सत्ता में आएंगे तो लोगों को उम्मीद है कि जो घोषणाएँ करेंगे उसे पूरा करेंगे। पलामू से कशिश न्यूज़ के लिए नितेश तिवारी।